हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकिनो के ऊपर और वोल्टिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, दोनों ही क्वाइंस के बीच में कुछ मज़ेदार सी अपडेट्स हैं, कुछ बर्निंग्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इट मीन ये 2-in-1 होने जा रहा है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि फ्लोकिनो हो या वोल्टिनो हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज, कोई भी कंटेंट, कुछ भी निकल गया है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम बात करेंगे फ्लोकिनो की। तो पहले हम देख लेते हैं फ्लोकिनो के करंट हालात। तो भाई ओवरऑल जो हमारी जो मार्केट है हम उसको भी थोड़ा देखते चलेंगे। तो भाई जो हमारी जो मार्केट है वो आज हमने देखा है कि 56 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिल रही है, जो कल भी 58 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम देखते चलें तो हमारा जो BTC वगैरह है, तो भाई बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 2.10% डाउन जा चुका है, और हमने देखा है कि ये ओवरऑल जो है 23,000 से भी डाउन जा चुका है हमारा BTC। वहीं पे 1625 पे इथेरियम मूव कर रहा है, 325 पे हमने देखा कि BNB मूव कर रहा है। तो ये ओवरऑल इस तरह हमारी जो मार्केट है वो मूव कर रही है। वहीं पे अगर दूसरी तरह हम देखते चलें भाई हमारा फ्लोकिनो को, वलाहला को, तो भाई फ्लोकिनो तकरीबन पे 24 घंटों में 2894 लास्ट के डिजिट हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये प्राइस तकरीबन 7.4% डाउन जा चुकी है। BTC के हिसाब से 3.6% और इथेरियम के हिसाब से 3.3% ये डाउन जा चुका है। वहीं पे हमने देखा तो भाई फ्लोकिनो 91% तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, और ये पिछले 7 दिनों में 23% का हमें ऑलरेडी गेन दे चुका है, और एक मंथ में तकरीबन 272% का हमें गेन दे चुका है। वहीं पे अगर हम देखते चलें भाई वोल्टिनो को, तो भाई वोल्टिनो भी तकरीबन 12% पिछले 24 घंटों में गेन दे चुका है, BTC के हिसाब से 14% और तकरीबन इथेरियम के हिसाब से 40.3% का हमें ऑलरेडी गेन दे चुका है। लास्ट में हमें 140 इसकी प्राइस देखने को मिल रही है 4-5 जीरो के बाद। तो वोल्टिनो भी तकरीबन 102% का हमें 30 दिनों में और 14 दिनों में 21% का, और 91% हमें 7 दिनों में वोल्टिनो भी हमें गेन दे चुका है। तो भाई काफ़ी आउट परफॉर्मिंग दोनों पॉइंट्स कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो भाई क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, अगर वोल्टिनो को हम देखते चलें तो भाई यहाँ पे जो वोल्टिनो की ट्रेडिंग है वो बहुत बुलिश हमें देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू CryptoNews.com। जी बिल्कुल, इनके कहना है कि इट सीम्स टू वोल्टिनो इज नाउ ट्राइंग टू अचीव अ टेक्निकल टारगेट ऑफ 0.0002 तक इसकी जो प्राइस है वो जा सकती है, जो अभी 1 तक मूव कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जो 1 है वो 2 में बदल सकता है, इट मीन कि ये हमें एक अच्छा खासा 100x का प्रॉफिट दिला सकता है, और ये 315 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर अगर मैं फ्लोकी की बात करूँ तो फ्लोकिनो में भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे वोल्ट के साथ में शेयर करूँ तो भाई वोल्ट हमें एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि वोल्ट जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे मूव कर रहा है, और इसकी जो लिक्विडिटी, जो बर्निंग की जो वगैरह जो सारी थी, और जो यूनिसाइप की जो लिक्विडिटी थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा रिडक्ट भी कर दिया है, कम भी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे फ्लोकिनो का अगर मैं थोड़ा बहुत आपके साथ जिक्र करता चलूँ तो भाई एक तो हमें देखने को मिल रही है भाई फ्लोकिनो चाइना में काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो चाइना प्लान के लिए इनका एक एम है देखने को मिलेगा, ट्विटर पे स्पेस होगा जो 5 PM UTC को 7 फरवरी 2023 को हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि भाई 9 फरवरी को तकरीबन 4.97 ट्रिलियन की जो बर्निंग होने वाली है, तो ये भी हमें एक अच्छी खासी चीज़ देखने को मिल रही है कि इतनी बड़ी अमाउंट में ये लाइव जो है वो बर्निंग करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी वैल्यू देखने को मिली है, क्योंकि अगर ये वाकई में इतनी बर्निंग होती है तो पहले ही फ्लोकिनो काफ़ी आउट परफॉर्म कर चुका है, तो ये और भी आगे जाएगा। वहीं में हमने देखा है कि ये अपनी गेम्स को लेके, अपनी प्रोडक्ट्स को काफ़ी एक्साइटेड है, और फ्लोकिनो हमने देखा है कि सेल्टिक में भी तकरीबन मोस्ट पॉपुलर कॉइन्स की लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी फ्लोकिनो और वोल्टिनो के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी बातें थी लेकिन आपको पसंद आई, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।